नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं नेहा बाथम। अबार या पार, जी हाँ, किसान दिवस पर किसानों का आंदोलन अब इसी मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज किसान नेता सरकारी चिट्ठी पर विचार विमर्श करने वाले हैं। अब तक के संकेत यही हैं कि किसान कानून वापस लिए जाने तक सरकार से बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं है। उन्होंने आंदोलन की पूरी रूपरेखा का प्लान बना रखा है। हाईवे पर हवन कुंड, खेत खलिहानों में अन्न उपजाने वाले किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हवन कर रहे हैं। आज किसान दिवस है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला किसान दिवस इस बार खास हो गया है, क्योंकि 3 कृषि सुधार कानून को लेकर 28 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच ये दिन आया है। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस, किसान दिवस और किसान आंदोलन का ये मंच, और मंच पर ये यज्ञ की वेदी। इस समय एक यज्ञ चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, और इसमें जो किसान नेता हैं वो लगातार अपनी आहुति दे रहे हैं। उसमें घी डाला जा रहा है, आहुति के पूरी थाली तैयार है, जिससे अलग अलग जो किसान नेता हैं वो दे रहे हैं। हवन पूजन खत्म हो चुका है। अब सारी निगाहें दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर की तरफ टिक गई हैं, जहां 26 नवंबर से बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं किसान। यहां किसान नेता उस चिट्ठी पर माथा पच्ची कर रहे हैं जो 3 दिन पहले सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को भेजी गई थी। चिट्ठी का अहम मसौदा ये है कि आंदोलन की जगह सरकार से बात करें किसान। मुझे आशा है।